4 मई 2023 को मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो देश तो क्या विदेश में भी सब सन्न रह गए। लल्लनटॉप पर आपने इस खबर के अलग अलग पहलुओं को पढ़ा और सुना होगा। इस खबर पर हम आपको अब ये बताएंगे कि विदेशी मीडिया में इस जघन्य घटना पर क्या क्या छपा है। सबसे पहले द गार्डियन ब्रिटेन। द गार्डियन ने सुर्खी लगाई, मोदी स्पीक्स आउट आफ्टर वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन इन मणिपुर इमर्ज। मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो सामने आने के बाद मोदी ने तोड़ी चुप्पी। अखबार लिखता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में चल रहे संघर्ष पर अपनी महीनों की चुप्पी तोड़ी है। मोदी ने चुप्पी उस वक्त तोड़ी जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर उनसे परेड करवाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। ये महिलाएं मणिपुर के अल्पसंख्यक कुकी जनजाति की थी और उनसे ये काम करवाने वाली भीड़ के लोग मैतेई समुदाय के थे। संसद सत्र की शुरुआत से पहले मोदी ने कहा कि इस घटना से पूरा देश शर्मिंदा हुआ है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी खबर द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी चलाई, वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया रिन्यूइंग अटेंशन ऑन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। भारत में यौन उत्पीड़न के वायरल वीडियो ने जातीय संघर्ष पर फिर ध्यान खींचा। गार्डियन की तरह टाइम्स ने भी अपने लेख में इस बात पर जोर दिया है कि पीएम ने वीडियो वायरल होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखबार लिखता है, इस वीडियो के सामने आने में 2 महीने का समय लग गया क्योंकि सरकार ने हिंसा रोकने के लिए वहां इंटरनेट बंद किया हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पीएम मोदी को राज्य के हालात के बारे में पहली सार्वजनिक टिप्पणी करनी पड़ी। अखबार ने यह भी लिखा कि पीएम ने सीधे तौर पर राज्य में हुई हिंसा को संबोधित नहीं किया और न ही तनाव कम करने के लिए कोई समाधान पेश किया। अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे तो यूरोपीय संसद ने हिंसा को लेकर एक प्रस्ताव लाया था जिसमें हिंसा के लिए हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाली विभाजनकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। तीसरी सुर्खी बीबीसी ब्रिटेन से है। बीबीसी ने लिखा, मणिपुर इंडिया वीडियो शोज हाउ रेप इज वेपनाइज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। मणिपुर वीडियो सामने आया कैसे संघर्ष में बलात्कार को हथियार बनाया जाता है। बीबीसी लिखता है, भारत के मणिपुर में एक भयानक वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ 2 नग्न महिलाओं को परेड करवा रही है और उनका यौन शोषण कर रही है। इससे ये पता चलता है कि अक्सर ऐसे संघर्ष में सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाता है। ऊपर से प्रशासन की उदासीनता मामले को और बदतर बनाती है। चौथी सुर्खी अल जजीरा कतर से है। कतर के स्टेट मीडिया अल जजीरा ने लिखा, आउटरेज इन इंडिया ओवर वीडियो ऑफ मणिपुर वुमेन पैडेड नेकेड रेप्ड। मणिपुर की महिलाओं को नग्न घुमाने और बलात्कार के वीडियो पर भारत में आक्रोश। अल जजीरा लिखता है, ये वीडियो 3 मई का है, 2 महीने पुराना, लेकिन मणिपुर में इंटरनेट बैन की वजह से ये बाहर नहीं आ पाया था। इस बात की आलोचना भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ता कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 महीने की चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनका मन खराब किया है, उनका मन बैठ गया है और वो नाराज हैं। पांचवी सुर्खी वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका से। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने वाली बात को प्रमुखता से लिखा है। अखबार ने भी लिखा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर चिंता व्यक्त की और सरकार से हिंसा रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है। अखबार ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान भी छापा है जिसमें उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले 12 जुलाई को अखबार में ब्लूमबर्ग के ओपिनियन एडिटर रूथ पोलार्ड ने लिखा था, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज ऑन द ब्रिंक, वेयर इज मोदी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य तबाही की कगार पर है, मोदी कहाँ है। पोलार्ड ने आगे लिखा, हथियारों से लैस गिरोहों के द्वारा गांव में सिर काटने की कई रिपोर्ट्स आई हैं। ये आशंका भी जताई जा रही है कि तनाव का दायरा पड़ोसी राज्यों मिजोरम असम नागालैंड और बाकी जो पड़ोस में राज्य लगते हैं उस तक फैला है, जहां मिलिट्री हुंटा पहले से ही आम नागरिकों पर बम बरसा रहे हैं। इसके अलावा चीन के साथ लगे बॉर्डर पर पहले से ही तनाव है। जैसे भारत की 97वीं माउंटेन डिविजन को मणिपुर की स्थिति को काबू करने में लगाया गया है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो मणिपुर गए और ना ही कोई बयान दिया। मई महीने में हिंसा की शुरुआत होने के बाद से मोदी जापान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका और इजिप्ट जा चुके हैं और इसी हफ्ते वो फ्रांस भी जाने वाले हैं। उन्होंने कई राज्यों में शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और मध्य प्रदेश में नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी लॉन्च किया। हिंसाग्रस्त मणिपुर में उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने उस हिंसा पर कुछ भी नहीं बोला, ना ही स्थानीय गुटों से मिलने और ना ही तनाव कम करने की कोई कोशिश की है। तो ये थी कुछ प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। अब मणिपुर हिंसा पर आप क्या कहना चाहते हैं ये बताने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय वहां शेयर कर सकते हैं। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी साजिद ने। मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए द लल्लनटॉप। शुक्रिया।